नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खास पेशकश की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता से सीधे संपर्क जोड़ने के लिए भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए सभी 90 विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। 4 मई को सरगुजा संभाग के बलरामपुर से शुरू हुआ सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार जारी है। रोजाना सीएम भूपेश बघेल विधानसभाओं के गाँव में जाकर जन चौपाल लगाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात कर रहे हैं। भेंट मुलाकात अभियान के तहत मुख्यमंत्री विधानसभा में जनता के बीच पहुंचकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता को मिल रहे लाभ की जानकारी ले रहे हैं। इसी अभियान के दौरान साधना न्यूज की टीम ने एक दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बिताया। देखिए हमारे मैनेजिंग एडिटर आर के गांधी की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अभियान का साक्षी बना साधना न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक्सक्लूसिव। हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मैनेजिंग एडिटर आरके गांधी की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खास चर्चा। भेंट मुलाकात कार्यक्रम का विशेष कवरेज। मैनेजिंग एडिटर आरके गांधी की खास रिपोर्ट। संपर्क, संवाद, समाधान, भेंट मुलाकात के इस कहवा में साधना न्यूज की टीम भी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, लगातार हम देख रहे हैं कि इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जनता का प्रतिसाद मिल रहा है, संपर्क हो रहा है, समाधान हो रहा है लोगों का। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आम जनता से जो शासकीय योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी लेना, उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो विभिन्न वर्ग के हितग्राही हैं उसे सीधा संवाद हो रहा है और जहाँ कमी खामी दिखती है तुरंत निर्देश भी दिया जा रहा है और अधिकांश जगहों में, सभी जगहों में अधिकांश योजनाओं का पूरा पूरा लाभ मिल रहा है लोगों को। क्योंकि योजनाएं धरती जमीन से निकलती है और तमाम योजना जो बापू जी की सोच थी, महात्मा गांधी की, वही योजनाएं आप लेकर आए जनता के बीच में। जरूरी है क्योंकि महात्मा गांधी की जो संदेश था कि स्वावलंबन होना चाहिए, गाँव को स्वावलंबी बनना चाहिए और स्वावलंबी बनाने के लिए हर हाथ में काम होना चाहिए और इसी दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। ये कार्यक्रम की शुरुआत किस तरह से होती है, दिनचर्या समझना चाहेंगे आज, क्योंकि आज पूरा दिन हम आपके साथ में हैं। सबसे पहली बात तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम और उसके बाद फिर दो या तीन जगह वहाँ कार्यक्रम करने के बाद शाम को किसी रेस्ट हाउस में रुकना उसी क्षेत्र में और वहाँ के फिर सामाजिक क्षेत्र के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात, दूसरे दिन सुबह अधिकारियों की मीटिंग और पत्रकारों से चर्चा। जी, तो आज हम सीएम साहब के साथ में हैं जहां पे सीएम साहब के साथ में भेंट मुलाकात और तमाम जो विभिन्न विकास योजनाएं हैं उसको हम समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात अभियान को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। गाँव में युवा, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग जन मुख्यमंत्री से मुलाकात करने को लेकर उत्साहित है, लिहाजा साधना न्यूज की टीम भी उत्साहित थी। मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर पर सवार होते ही हम भी गंतव्य की ओर बढ़ चले। इस दौरान हेलीकॉप्टर में सीएम भूपेश बघेल से खास बातचीत हुई। हवाई सफर करके पहुंचे हुए गांव में और जहां पे जिस ऊंचाई से हम आए यहां पे और छत्तीसगढ़ को जिस ऊंचाई पे आप लेके गए हैं अभी तक और आपने क्योंकि बजट में भी एक नंबर का हाइट अब लगता है कि जो ऊंचाई छत्तीसगढ़ को चाहिए वो काम नहीं होता है। छत्तीसगढ़ अभी उस रास्ते में चल रहा है, वो हाइट की कल्पना है, अब उसको देने की आवश्यकता है और उस हिसाब हम लोग काम कर रहे हैं। अभी स्कूल आप देख रहे हैं लगातार हम लोग बना रहे हैं और उसका दौरान है और हेल्थ है, इसमें लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें एक बात और कि मैंने देखा कि जहाँ भी आप जा रहे हैं आजकल जो स्कूल की मांग हो रही है बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब आप लोग जान लें कि एजुकेशन काफ़ी अहम है आगे बढ़ने के लिए। हर माता पिता की इच्छा है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा दें और लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था उनकी अनुमति नहीं देती, ऐसे में मनमान महसूस करके रह जाते हैं। अब जो पैसे वाले हैं भाई प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं तो ऐसे में ये स्वामी आत्मानंद रेड्डी स्कूल है वो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उसके लिए वरदान साबित हुआ। एक चीज़ मैंने और देखा कि आप जहाँ भी जा रहे हैं तो जो लोकल परिधान है, लोकल जो व्यंजन है,
उसकी काफी बेहतर देखने को मिलेगी। लोकल परिधान में आप नजर आते हैं, लोकल व्यंजन कट में जाना है जिसका अपना एक औषधीय गुण है। हर हमारे प्रदेश में आदिवासियों का अलग अलग पगड़ी बांधने का रिवाज होती है, उस प्रकार से वो लोग स्वागत करते हैं, पारंपरिक स्वागत है उसमें शामिल है। और भोजन में हमारे यहाँ विविधता अंचलों में देखने को मिलता है वो और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपने सरकारी योजनाओं से इससे जोड़ा है। सही बात, भोरेवासी और तमाम चीज़ें जी। तो अभी हम एक हवाई सफर करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में यहाँ पहुँचे हुए हैं खड़गवा बड़ौक के गांव में, जहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लगातार हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ यहाँ पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री इस अभियान के तहत संपर्क संवाद समाधान के ध्येय के साथ लगातार सघन दौरे पर है।